जबलपुर में नकाब पहनकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। गौरा बाजार थाना की टीम द्वारा चोरी का माल और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बरामद हुए सोने चांदी के कीमती जेवरों की कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है एवं घटनाओं में उपयोग में लाई जाने वाली कार को भी जब्ती किया जा चुका है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अब देखना यह होगा कि इन चोरियों के अलावा भी इन चोरों ने कितनी चोरियां की हैं, यह तो जांच का विषय है। अपराध एक्चुअली जिन्नी मौर्या ने दिनांक 3/2/2023 को आगे थाने में शिकायत दिया था कि उनके यहाँ घर से चोरी हो गई है। इस पर अपराध क्रमांक 68/23 कायम करके हमने विवेचना मिली और फिर मुखबिर सूचना मिली और CCTV और टेक्निकल इनपुट्स लेके हमने इस पर अच्छी हमारे विवेचकों ने अच्छी विवेचना की। पूरी टीम हमारे साथ है, फोटो में भी आ रही है। सबने अच्छा मेहनत किया और इससे हमने कुल 13,40,000 के आसपास की रिकवरी करी है। अपराध में जो गाड़ी इस्तेमाल हुआ है उसकी भी जब्ती किया गया है और तीन आरोपी मिले हैं हमें। एक आरोपी अभी फरार है। तीन आरोपी जो अभी पकड़ाए गए हैं उनका नाम सुरू है, सुरू उर्फ सुरेश, प्रदीप कोरी है और एक करण है। फरार आरोपी हीरा नाम का है जिसकी तलाश की अभी जा रही है। सर, ये गाड़ी जो है किसके नाम पर ली और कब से कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं बताया? ये गाड़ी ऑल्टो है, ये एक्चुअली एक काम, ये टेंट का काम करते हैं, वहाँ से इन्होंने ये गाड़ी ले ली थी। इनका कुछ पुराना रिकॉर्ड वगैरह? हाँ, कुछ इनके रिकॉर्ड ऐसा पता चला है, हनुमानताल थाने क्षेत्र अंतर्गत है। थाना गोरा बाजार की कॉलोनी में 10 दिन पहले एक चोरी हुई थी तो उसमें काफ़ी माल गया था, तो थाना गोरा बाजार की पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से करीबन 13 लाख का माल बरामद हुआ है। इसमें काफ़ी सोना है और 800 ग्राम चांदी है।